हेलो क्लास फिफ्थ क्लास, कैसे हो बच्चों? बच्चों, आप जानते हो कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में रक्त और हमारा शरीर नामक पाठ का वाचन करवाया था। आज मैं आप लोगों को दो चिड़िया नामक कविता पढ़ाऊंगी और समझाऊंगी। कविता को पढ़ाने और समझाने से पहले मैं आपसे एक बार फिर कहूंगी कि बच्चों, आप लोग अपना असाइनमेंट नहीं भेज रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि असाइनमेंट टाइम टाइम पर भेजिए, बाद में बहुत परेशानी होती है बच्चों, आपके फाइनल एग्जाम में मार्क्स जुड़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान से अपना काम कीजिए और समय समय पर मुझे भेजिए। चलिए, कविता शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि इस कविता में क्या है। प्रस्तुत कविता में कवि ने दो चिड़िया के माध्यम से स्वतंत्र और परतंत्र यानी आजादी और गुलामी के जीवन की तुलना करते हुए स्वतंत्र व आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी है। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे। घर की चिड़िया थी पिंजरे में, वन की चिड़िया वन में मिली अचानक एक दिवस, वे थी कुछ विधि के मन में। वन की चिड़िया बोली तब यूं, सुन रही पिंजरे वाली, उड़ चल वन को मेरे संग तू, कर दे पिंजरा खाली। मतलब जो घर पर चिड़िया थी पिंजरे में थी, और एक चिड़िया कहाँ थी, वन में। दोनों चिड़िया एक दिन अचानक मिली, दिवस मतलब एक दिन अचानक मिली, जो कि विधि के मन में था, यानी ब्रह्मा, विधि मीन्स ब्रह्मा के मन में था उनको मिलना। ठीक है, वन की चिड़िया बोली तब यूं, सुन रही पिंजरे वाली, उड़ चल वन को मेरे संग तू, कर दे पिंजरा खाली। जब घर की चिड़िया और वन की चिड़िया मिली, जो कि उनका मिलना किसने लिखा था, विधि ने लिखा था, यानी ब्रह्मा जी ने लिखा था। तो जब आपस में मिली तो वन की चिड़िया क्या बोली, पिंजरे वाली, जो चिड़िया घर पर, जब चिड़िया कोई चिड़िया पालता है, घर पर रखता है, तो उसको कहाँ रखते हैं, पिंजरे में रखते हैं ना। तो वन में रहने वाली चिड़िया ने पिंजरे वाली चिड़िया से बोला कि तू मेरे संग उड़ चल और इस पिंजरे को खाली कर दे। बोली पिंजरे की चिड़िया तब, सुन रही चिड़िया वन की, तू भी आ, बस जा पिंजरे में, बातें करे दो मन की। तो जो चिड़िया पिंजरे में बंद थी, उसने क्या कहा वन की चिड़िया से, उसने वन की चिड़िया यानी जो जंगल में रहती थी चिड़िया, उस चिड़िया से क्या कहा कि तू भी आ जा और इस पिंजरे में बस जा, तो हम दोनों मिलकर अपने मन की बातें करेंगे। मैं क्यों फंसू भला भला बंधन में, मैं क्यों फंसू भला बंधन में, वन की चिड़िया बोली, हो उदास पिंजरे की चिड़िया, मन ही मन में रोली। जो वन में, जो आजाद थी, जो वन में रहकर आजाद थी, उस चिड़िया ने पिंजरे में रहने वाली चिड़िया को क्या कहा कि मैं बंधन में क्यों बंधू, मैं क्यों बंध के रहूं। हो उदास पिंजरे की चिड़िया, मन ही मन में रोली। तो इस उसकी इस बात को सुनकर जो चिड़िया पिंजरे में थी, वो अपने मन ही मन में रोने लगी, उदास होकर, उदास होकर मतलब दुखी होकर मन ही मन में रोने लगी। छोड़ चलूं सोने का घर में, भटकूं जाकर वन में, घर की चिड़िया थी पिंजरे में, वन की चिड़िया वन में। वो कहती है कि मैं क्यों छोड़ चलूं सोने का घर, क्यों छोड़ चलूं मैं, और मैं वन में जाकर क्यों भटकूं, मैं इधर उधर क्यों भटकूं। घर की चिड़िया थी पिंजरे में, वन की चिड़िया वन में। मतलब घर की चिड़िया घर में ही रही और वन की चिड़िया वन में जाकर उड़ने लगी। मतलब इस कविता में कवि, जो कवि हैं हमारे रविंद्रनाथ टैगोर, वो क्या बता रहे हैं, जो रविंद्रनाथ हैं वो बता रहे हैं कि एक भावनात्मक कविता है। क्या है ये एक भावनात्मक कविता है, जिससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जीव जंतु पशु पक्षी सभी अपने ही परिवेश में खुश रहते हैं।
जो जहां पर पला बड़ा है उसको वही जगह अच्छी लगती है। इस कविता में दोनों चिड़िया अपने अपने परिवेश में खुश हैं, यानी अब एक जो चिड़िया वन में रहती है वो वन में रहकर ही खुश है, लेकिन जो पिंजरे में, जो शुरू से ही पिंजरे में रही है, वो पिंजरे में रहकर ही खुश है। इसलिए वो अपनी दूसरी चिड़िया को जो वन से आई है, जो उसको अपने साथ उड़ चलने को कहती है, उसको क्या कहती है कि मैं वन में आकर क्यों भटकूं, मैं यहीं पर ठीक हूं। तो उसी प्रकार से दोनों चिड़िया अपने अपने परिवेश में खुश हैं। पिंजरे को चिड़िया, पिंजरे के जो पिंजरे में रहती है जो चिड़िया, उसको क्या है, अपना पिंजरे के जीवन से संतुष्ट है, और जो वन की चिड़िया है वो अपने वन के जीवन से संतुष्ट है। यानी दोनों अपनी अपनी जगह खुश हैं। वन में रहने वाली चिड़िया वन में रहकर ही खुश है, और जो चिड़िया पिंजरे में रहती है वो पिंजरे में रहकर ही खुश है। समझे आप लोग? यानी इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि स्वतंत्रता यानी जो आजादी है उसका सुख क्या है, अनमोल होता है। फिर भी कुछ प्राणी ऐसे हैं जो परतंत्रता के सुख को छोड़ नहीं पाते, यानी गुलाम रहकर जो सुखी जीवन जी रहे हैं वो सुख को नहीं छोड़ पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, आज आपने देखा मैंने आपको दो चिड़िया नामक कविता पढ़ाई, और आपको समझ में भी आई होगी क्योंकि यह दो चिड़ियों की कहानी है जो कि अपनी अपने जीवन के बारे में, उनके माध्यम से, जो चिड़िया के जो माध्यम से बताया जा रहा है कि स्वतंत्रता और परतंत्रता क्या चीज है, लेकिन दोनों अपने जीवन से खुश हैं। दोनों चिड़िया जो हैं अपने अपने जीवन से सुखी हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई भी शिकायत नहीं है। वन की चिड़िया वन में खुश है और पिंजरे में रहने वाली चिड़िया पिंजरे में खुश है। ठीक है बच्चों, तो अब आप लोगों को इस कविता के शब्द अर्थ करने हैं, कठिन शब्द भी करने हैं, और आपको ये कविता याद भी करनी है। एक बार फिर बच्चों, आप लोग जो काम मैं दे रही हूँ उसके प्रश्न उत्तर समय समय पर भेजें, कोई भी लापरवाही ना करें। जितने भी प्रश्न मैं आपको दूंगी, क्योंकि बहुत छोटी सी कविता थी, इसमें सिर्फ 5 पैराग्राफ थे, और इस कविता को आप याद भी करेंगे और इसके मैं प्रश्न उत्तर आपको दूंगी, वो भी पूरे करेंगे और कविता को याद भी करेंगे। ठीक है, आप लोग लापरवाही नहीं करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार आप अपना गृह कार्य जो है, असाइनमेंट जो है, आप मुझे समय पर सारे बच्चे भेजेंगे। बहुत कम बच्चे अपना काम भेज रहे हैं। सारे बच्चों से मुझे उम्मीद है कि अपना काम समय पर जरूर भेजेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू। अपना ध्यान रखना और पढ़ाई भी करते रहना। थैंक यू।